हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ़ स्कूल यानी कि विधि शास्त्र की विचारधाराएं उसमें भी हमारा जो फोकस होगा वो नेचुरल लॉ स्कूल्स पे होगा इसे प्राकृतिक विचारधारा भी कहते हैं अगर स्कूल्स ऑफ जुर की बात करें देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन अवर जुडिस यानी कि जो हमारा विधि शास्त्र है उसमें पांच तरह की विचारधाराओं के बारे में बताया गया है जिसमें से पहला है नेचुरल लॉ स्कूल जिसे प्राकृतिक विचारधारा भी कहते हैं इस स्कूल से यानी कि इस विचारधारा के जो समर्थक और फॉलोअर्स हुए हैं वो हैं हेराक्रेटिस सोक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल सेंट अगस्टाइन सेंट थॉमस एक्विनास ह्यूगो ग्रोशियस होप्स लॉक एंड रूसो वहीं अगर हम सेकेंड स्कूल यानी कि एनालिटिकल स्कूल्स की बात करें जिसे हिंदी में विश्लेषणात्मक विचारधारा कहा जाता है इस विचारधारा के जो फॉलोवर्स हुए हैं वो बैंथम ऑस्टीन सालमेंट हॉलैंड कैल्सन एंड हार्ट नेक्स्ट एंड थर्ड अगर हम अपने स्कूल्स के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल स्कूल्स जिसको कहा जाता है ऐतिहासिक विचारधारा जिसके जो फॉलोअर्स हुए हैं वो सेविग्नि हीगल कोहलर हर्बर्ट स्पेंसर हेनरी मैन

जॉन रॉल्स एल्फ रॉस और ओलिवर क्रोना फ्रेंड्स ये जितने भी स्कूल्स मैंने बताए हैं और इनके जो फॉलोवर्स मैंने बताए हैं ये आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इन सबको आपको ऑन टंग कर लेना है अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल भी हमारा अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा स्कूल्स है हमारे जितने भी हमने यहाँ पे स्कूल्स देखे हैं तो इस पे हम दो लेक्चर बनाएंगे जो नेचुरल लॉ स्कूल्स है तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल लॉ स्कूल नेचुरल लॉ स्कूल जैसा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति या ईश्वर के द्वारा निर्मित कानून होता है उसे ही नेचुरल लॉ स्कूल में दर्शाया गया है नेचुरल लॉ इज नोन एज अ अर लॉ और लॉ ऑफ नेचर हैज बीन कंटिन्यूअली डोमिनेटिंग द एंटायर बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स लॉ रिलीजन एंड सोशल फिलोसफी नेचुरल लॉ इज सेट टू बी दी सेट्स ऑफ अनरिटन लॉ विच कंटेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्ट एज रिवील्ड बाय द नेचर ऑफ मैन और रीजन और डराइव फ्रॉम गॉड जो नेचुरल लॉ स्कूल के फॉलोवर हैं उनका मानना है कि जो नेचुरल लॉ है वो हायर लॉ है यानी कि एक ऐसा लॉ है एक ऐसी विधि है जिसके ऊपर कोई अदर लॉ बन ही नहीं सकता यानी कि लॉ ऑफ नेचर और उस लॉ के सामने जितने भी लॉ हैं पॉलिटिक्स हैं रिलीजन है सोशल फिलासफीज हैं वो कोई मायने नहीं रखता है इस स्कूल के फॉलोअर्स कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो क्या है सेट्स ऑफ अनरिटर्न लॉ अनरिटर्न लॉ यानी कि एक ऐसा लॉ है जो कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं पाया जाता है जो कि ऐसे नियमों से मिलकर बना है जो कि किसी व्यक्ति के आचरण से या समाज में हो रही गतिविधियों से ईश्वर के द्वारा निर्मित कानून है इज यूनिवर्सल एंड कॉमन टू ऑलिटी इट गोज बियॉन्ड डिफरेंस इन कल्चर रिलीजन एंड वेरियस फॉर्मुलेशन ऑफ द मॉरल लॉ वे कहते हैं कि जो नेचुरल लॉ है वो हमारा यूनिवर्सल है एंड कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी और सभी जितनी भी मानव जाति है उन सभी के लिए एक समान है और यह हर प्रकार के धर्म नैतिक कानून और संस्कृति से परे है यानी जो नेचुरल लॉ होता है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को देख करके पर्टिकुलर कल्चर को देख करके अपने रूल्स नहीं बनाता है उसके रूल्स सभी के लिए एक समान होते हैं इक्वल होते हैं नेचुरल लॉ इज अ फिलोसफी ऑफ लॉ दैट फोर्स ऑन द लॉ ऑफ नेचर प्रकृतिक विधि क्या है कानून का एक दर्शन है जो प्राकृतिक नियमों पर बल देती है यानी कि लॉ क्या है नेचर यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित नियम ही कानून है दिस स्कूल ऑफ जो रेस्पिडेंस रिप्रेजेंट द बिलीव दैट दे आर इनहेरिट लॉ दैट इज कॉमन टू ऑल सोसाइटीज विधि शास्त्र की जो विचारधारा है इसका मानना है कि जो प्राकृतिक विधि है वो इनहेरिट लॉ है इनहेरिट लॉ यानी कि जो जन्मजात होते हैं दैट इज कॉमन टू ऑल सोसाइटीज जो हर समाज के लिए समान होते हैं नेचुरल लॉ इज ऑल्सो नोन एज मॉरल लॉ डिवाइन लॉ लॉ ऑफ गॉड लॉ ऑफ रीजन लॉ ऑफ नेचर यूनिवर्सल लॉ एंड अनरिटर्न लॉ जो प्राकृतिक विधि है उसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है मॉरल लॉ यानी कि नैतिक विधि यानी कि व्यक्ति जो अपने कंडक्ट से अपने आचरण से जो व्यवहार करता है जिसमें नैतिकता निहित होती है वही आपका मॉरल लॉ होता है डिवाइन लॉ दैवीय विधि जो कि दैवीय कृत्य यानी कि चमत्कार में विश्वास करती है। द लॉ ऑफ गॉड लॉ ऑफ गॉड क्यों कहा गया है कि नेचर का जो निर्माण हुआ है वो ईश्वर की ही देन है लॉ ऑफ रीजन लॉ ऑफ रीजन क्यों कहा गया है क्योंकि मनुष्य जब आचरण करता है तो सही और बुरे के बारे में सोचता है जैसे अगर कोई किसी के साथ अच्छा करेगा तो उसके साथ अच्छा ही होगा अच्छा करोगे तो अच्छा होगा मीन्स डू गुड बी गुड इसीलिए इसे लॉ ऑफ रीजन कहा जाता है लॉ ऑफ रीजन भी कहा जाता है लॉ ऑफ नेचर नॉर्मल के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं वही नेचुरल लॉ है इसलिए इसे लॉ ऑफ नेचर कहा गया है इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल लॉ इसे क्यों कहा गया है क्यों क्योंकि पर्टिकुलर किसी ये रिलीजन कल्चर पर्टिकुलर किसी एक सोसाइटी पर अप्लाई नहीं होता है एंड अनरिटन लॉ अलिखित विधि यानी कि नेचर के जो भी रूल्स हैं वो कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं होते हैं वो सिर्फ बिलीव होती हैं और लोग ईश्वर के डर से उस लॉ उस रूल को फॉलो करते हैं द स्कूल ऑफ थॉट टेल्स अस दैट द लॉ इज रेशनल एंड रीजनेबल इस विचारधारा का मानना है कि जो लॉ है वो रेशनल होना चाहिए यानी कि तर्क संगत होना चाहिए एंड रीजनेबल युक्ति युक्त होना चाहिए नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग लॉ मॉरलिटी का एक लॉजिकल ऑर्डर है एक क्रम है मींस जो मॉरलिटी के संगत है जिसे मॉरलिटी सही मानती है उन रूल्स का एक ऑर्डर या उन रूल्स की एक सीरीज ही लॉ है देयर फोर एक्शन दैट आर कंसिडर्ड टू बी मॉरली रॉन्ग विल बी अगेंस्ट द लॉ इसलिए ये माना जाता है ऐसे सारे एक्शन ऐसे सारे एक्ट या कार्य जो मॉरलिटी के अगेंस्ट है वो लॉ के भी अगेंस्ट है जिसमें यानी कि जो अनैथिक है वो लॉ के अगेंस्ट दोर्स ऑफ नेचुरल लॉ वॉज दैट गॉड नेचर एंड रीजन नेचुरल लॉ के जो फॉलोवर हैं वो प्रकृतिक विधि यानी कि नेचुरल लॉ का जो सोर्स है वो मानते हैं गॉड को नेचर को और रीजन्स को गॉड यानी कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए जो पनिशमेंट देगा वो गॉड देगा नेचर नेचर ने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं और अगर उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगी एंड रीजन सही और गलत में जब हम बैलेंस करने लगते हैं तो वहीं पर जिन थॉट्स का ओरिजिन होता है तो वो बन जाते हैं हमारे मॉरल्स यानी कि मॉरलिटी जो नेचुरल लॉ है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल्स है प्राकृतिक विधि की विचारधारा इसको फोर पीरियड्स में डिवाइड किया है यानी कि इन्हें चार कालों में विभाजित किया है जिसमें से फर्स्ट है एंसियन पीरियड या फिर इसे क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है मिडिवल पीरियड या मिडल एजेस भी कहा जाता है रेंसा पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड एंसियंट यानी कि प्राचीन काल मिडिवल यानी कि मध्यकालीन काल और रेंसा मीन्स पुनर्जागरण काल मॉडर्न पीरियड मीन्स आधुनिक काल क्योंकि नेचुरल लॉ एक बहुत बड़ा स्कूल है सबसे बड़ी विचारधारा माना जाता है जो में इसे इसीलिए हम इस पर दो लेक्चर बनाएंगे एंसियन पीरियड जिसे क्लासिकल पीरियड भी कहा जाता है द स्टोरी ऑफ नेचुरल लॉ बिहाइंड द फिलोसफर्स ऑफ एंसियन ग्रीस नेचुरल लॉ के पीछे जो प्राचीन यूनान के दार्शनिक रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है जो यूनानी थे यानी ग्रीक्स थे उनका मानना था कि जो जस्टिस यानी कि न्याय है और इथिक्स हैं आचार नीति है वो एक दूसरे से रिलेटेड है फर्स्ट डिस्टिंग ऑफ लॉ फ्रॉम ब्लाइंड फेथ जो यूनानी थे वही ऐसे पहले थे जिन्होंने लॉ को ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास से अलग किया अब अगर एनसियन पीरियड की बात करें तो एनसियन पीरियड को भी अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है जिसमें से फर्स्ट है ग्रीक पीरियड यानी कि यूनानी काल ग्रीक यूनान की जो मेन नेक्स्ट है हमारे हेराक्रेटिस इनका जो पीरियड है वो 530 से 470 सेवेंटी तक माना जाता है द फाउंडेशन ऑफ नेचुरल फिलोसफीज वॉज बाय दल्सो गिव्स थ्री एस्पेक्ट्स अनलिमिटेड गोल्स स्टेजेस एंड रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर नेचुरल लॉ हेराक्राइटिस को नेचुरल लॉ फिलोसफी का फाउंडर माना जाता है उनके अनुसार जो प्राकृतिक विधि है वो मात्र प्रकृति ही नहीं है या मात्र बिखरा हुआ ढेर नहीं है बिखरा हुआ ढेर यानी कि कि कहीं बहुत ज्यादा फॉरेस्ट ही फ़ॉरेस्ट है तो कहीं बहुत ज्यादा पानी ही पानी है ठीक है कहीं पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो वो मात्र सिर्फ एक ढेर नहीं है बल्कि उसमें क्या है एक रिलेशन है एक दूसरे का रिलेशन है एक सिस्टमैटिक वे में प्रकृति ने हर चीज को रखा है जैसे जो प्रकृति है नेचर है उसमें एक सीक्वेंस है एक क्रमगत व्यवस्था है जो हर प्रकृतिक पर्वत और सागर वन किसी न किसी प्राकृतिक नियम का पालन कर रहे है। हैं जो ह्यूमन है मानव है उसे भी जो प्रकृति के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ नेचर हैं, उनको फॉलो करना चाहिए अगर ह्यूमन बीइंग लॉ पर ज्यादा फोकस करेगी और नेचुरल लॉ को फॉलो नहीं करेगी जो प्राकृतिक के नियम है तो वहां में की हो जाएगी। जो मानव निर्मित विधि है वो व्यक्तियों में भेदभाव करती है जबकि जो नेचुरल लॉ है वो सभी को क्या मानता है इक्वल मानता है इन शॉर्ट के अनुसार प्राकृतिक विधि सर्वश्रेष्ठ है और सभी मानव जाति ह्यूमन बीइंग्स को फॉलो करने चाहिए प्रकृति के रूल्स जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है इट आल्सो गिव थ्री एस्पेक्ट अनलिमिटेड गोल्स स्टेजेस एंड रीजन आर इम्पोर्टेंट फॉर नेचुरल लॉ कि नेचुरल लॉ जो प्राकृतिक विधि है उसके लिए इंपॉर्टेंट है रीजन रीजन यानी कि विवेक व्यवस्था इन सभी से होकर के एक प्राकृतिक विधि को गुजरना चाहिए

ंग यू नथिंग सोगटेज ये कहते थे कि एकमात्र बुद्धिमानी यानी कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी उसी में है कि आप ये जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते यानी कि जिस लॉ को आप फॉलो कर रहे हैं जब तक आप उस लॉ के सही और गलत राइट और रॉन्ग को बैलेंस नहीं करोगे यानी कि उसकी जो कमियां हैं वो नहीं निकालोगे तब तक आप एक अच्छा लॉ नहीं बना सकते ह्यूमन इन कैपेसिटी टू बिटवीन गुड एंड बेड वो आगे कहते हैं कि जो एक मानव होता है एक मैन होता है उसके अंदर ही कैपेसिटी होती है कि वो सही और गलत में भेद कर सके डिफरेंस निकाल सके सही और गलत का और जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उन्हें एप्रिशिएट करने के योग्य बने दिस ह्यूमन इनसाइट इज द बेसिस टू जज द लॉ और ये ह्यूमन इनसाइट जो है और ये जो ह्यूमन इन्साइट है दिस ह्यूमन इनसाइट इज बेसिस टू जज द लॉ ये बेस करती है बेस है जज द लॉ एक लॉ को जज करने के लिए या, human insight से मतलब है ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी की रीजनिंग के बिहाव पे तर्क के आधार पर एनालाइज करने की Socrates कहते थे कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे ये सिचुएशन और सर्कमेस्ट को देखते हुए लोगों से क्वेश्चनिंग नहीं करोगे तब तक आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते इन शॉर्ट सोक्रेटिस का मानना था कि लॉ नेचुरल लॉ पर बेस होना चाहिए नेचुरल लॉ हमने देखा था रीजन कि जहां रीजन अप्लाई हो रहा है और सही और गलत के आपके माइंड में आ रहे हैं तो वहां उन रीजन को अप्लाई करना चाहिए नेक्स्ट है प्लेटो प्लेटो को अगर कहा जाए तो ही स्टूडेंट ऑफ सोक प्लेटो के शिष्य कहे जाते हैं और उनका टाइम पीरियड 427 से 347 बीसी तक माना जाता है इट इज सपोर्टर ऑफ मिनिमम गवर्नेंस पॉलिसी मींस अल्टीमेट जस्टिस इज डिस्कवरेबल थ्रू रीजन प्लेटो सपोर्टर थे न्यूनतम शासन के वो कहते थे कि जो शासक है यानी कि जो विधि बनाने वाला व्यक्ति है वो एक और एक एबल पर्सन होना होना चाहिए चाहिए जो रूलर है शाशक है वो पैटर्नल नहीं हेरिटेबल उसका जो ऑफिस है वो हेरिटेबल नहीं होना चाहिए यानी कि अगर फादर रूलर है तो उसका सन रूलर सन भी नेक्स्ट जो रूलर होगा उसका सन होगा प्लेटो कहते थे कि जो जो शासक है रूल मेकर है वो ऐसा होना चाहिए जिसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो पावर. जो है, है? वो कहां है? वो हेवन में मिलेगी तो रूलर जो है वो हेवन का होना चाहिए इट्स नॉट पॉसिबल टू अ कॉमन पर्सन टू अप्रोच हेवन एक कॉमन मनुष्य एक साधारण व्यक्ति के क्षमता से बाहर है कि हेवन तक जाए और वो वहां से जा करके जो सही है और जो अच्छा है एक ऐसा विचू लेकर आए और तब वो क्या बने एक लॉ मेकर बने एक रूलर बने यहाँ पे प्लेटो का कहना था कि हमें शासक बनाना चाहिए यानी कि हम हेवन तक तो नहीं जा सकते लेकिन हम कुछ ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें हम नॉलेज देंगे यानी कि प्रॉपर एजुकेशन देंगे एजुकेटेड पर्सन होंगे और जब वो फुल्ली एजुकेटेड हो जाएंगे थर्टी फोर्टी या फोर्टी या फिफ्टी तक की जब उनकी एज आ जाएगी जब वो बन जाएंगे, तब उन्हें ज्ञान होगा और उनका कनेक्शन भी हेवन से हो सकता है यानी कि उनकी जो थॉट्स हैं, वो इतने प्योर होंगे कि वो सही और गलत में भेद कर पाएंगे और उसके बिहाफ पर एक लॉ मेकर बन पाएंगे और उस सही और गलत के रीजन के द्वारा डिस्कवर कर पाएंगे एक अल्टीमेट जस्टिस प्लेटो सपोर्ट करते हैं सोकटेस की थ्योरी को जो कि नेचुरल से रिलेटेड थी अकॉर्डिंग टू प्लेटो वी लिव इन ऑर्डिनरी यूनिवर्स वो कहते थे कि हम एक आ, प्लेटो कहते हैं कि वी लिव इन ऑर्डिनरी यूनिवर्स कि हम एक व्यवस्थित ब्रह्मांड में रहते हैं जहां पर हर चीज एक प्रॉपरली सिक्वेंस से होती है एक व्यवस्थित रूप से होती है कुछ लोगों ने प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया कि जो प्लेटो के थॉट थे वो बहुत ही सुपरस्टिशियस थे कि एक पर्सन होगा जब उसे नॉलेज मिल जाएगी फिलोसफर बन जाएगा उसका एक हेवन से कनेक्शन हो जाएगा फिर जब उसका हेवन से कनेक्शन हो जाएगा तो तब वो हमें वो उस कनेक्शन के थ्रू जो उनका कन्वर्सेशन हुआ है वो हमें बताएगा तो लग रहा था कि हाँ प्लेटो कुछ कुछ ज्यादा ही ईश्वरीय वर्ल्ड में चले गए हैं लेकिन अगर देखा जाए तो प्लेटो बहुत ही सही कहते थे कि जो गवर्नर मतलब गवर्नेंस होनी चाहिए जो शासक होना चाहिए वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए ना कि नॉर्मली एक साधारण व्यक्ति जैसे कोई ज्ञान नहीं है कुछ नहीं है और वो क्या करने लगता है हम पे रूल करने लगता है अगर एक एजुकेटेड पर्सन एक स्किल्ड पर्सन के हाथ में गवर्नेंस आएगी तो वहां एक बेस्ट लॉ की क्रिएशन होगा नेक्स्ट है एरेस्टोटल एरेस्टोटल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो अगर एक सिक्वेंस से देखा जाए तो यहाँ पे एरेस्टोटल प्लेटो के शिष्य हैं प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य हैं तो यहाँ पे अरेस्टोटल की जो बिलीव्स है वो कहती है नेचुरल लॉ है एलिमेंट ऑफ रीजन जस्टिस एंड एथिक्स नेचुरल लॉ क्या है एलिमेंट्स ऑफ रीजन रीजन मीन्स विवेक जस्टिस न्याय एंड एथिक्स और नीति एथिक्स नीति इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल एंड इम्यूटेबल स्टैंडर्ड डिस्कवर्ड थ्रू द रीजन एंड मैन मेड लॉ शुड कंफर्म टू दिस स्टैंडर्ड्स कि जो सांसारिक या सार्वभौमिक और इम्यूटेबल अनश्वर जिसका कभी आ, आ, समाप्त जिसका कभी अंत नहीं हो सकता उस स्टैंडर्ड को डिस्कवरेबल जो होता है वो किसके थ्रू होता है रीजन जो हमारे विवेक होते हैं विवेक होता है और हमारा सही और गलत को पहचानने का जो हमारा गुण होता है हमारी एबिलिटी होती है वही क्या है वही लॉ है वही नेचुरल लॉ का सोर्स है एंड मैन मेड लॉ शुड कंफर्म टू दिस स्टैंडर्ड और मैन मेड लॉ जो पॉजिटिव लॉ है मैन मेड लॉ है जो किसी मनुष्य के द्वारा मानव के द्वारा बनाए गए कानून है वो क्या करते हैं सिर्फ कंफर्म करते हैं कि यूनिवर्स और इमिटेबल स्टैंडर्ड्स का यानी कि उस सार्वभौमिक और अनश्वर उसका उनके अकॉर्डिंग मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर जो मनुष्य है वो एक प्रकृति का ही पार्ट है एक हिस्सा है फसली ही इज अ पार्ट ऑफ द क्रिएचर ऑफ गॉड कैसे क्यों क्योंकि वो क्रिएचर जो निर्माण है जो वो प्राणी है वो किसके द्वारा निर्मित है उसका क्रिएशन किसने किया है गॉड ने किया है इसलिए ही इज अ पार्ट ऑफ क्रिएचर ऑफ गॉड्स सेकेंडली ही पजेस इन साइड एंड रीजन बाय विच ही कैन शेप हिज विल यानी कि उसमें कॉमन सेंस है यानी कि एक विवेक शक्ति है जिससे कि जो वो नेचुरल रूल्स हैं उनको परख सकता है कि गॉड ने क्या दिया है उसे एक माइंड दिया है जिसका वो यूज करते हुए रीजन तर्क के आधार पर विवेक के आधार पर राइट right और रॉन्ग का डिसीजन लेने में कैपेबल होता है तो फ्रेंड्स यहाँ तक था हमारा एंसियन पीरियड के अंदर ग्रीक पीरियड यानी कि यूनानी काल नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रोमन पीरियड जो कि एंसियन पीरियड का ही एक पार्ट है Uh, जो हमारा कवर uh, हो जाएगा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे मिडिवल पीरियड पीरियड और मॉडर्न पीरियड ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सारा कवर कर लेंगे तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू टेक केयर एंड गुड बाय